इसराइल हमास के बीच हुए समझौते के तहत 13 बंधकों को शुक्रवार शाम 4 बजे गाजा से रिहा किया जाएगा। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिन बंधकों को रिहा किया जाएगा उनके नामों की सूची इसराइली खुफिया एजेंसियों को दे दी गई है। अंसारी के अनुसार गाजा में मानवीय आधार पर 4 दिन का संघर्ष विराम शुक्रवार सुबह 7 बजे शुरू होगा। बयान में कहा गया है कि गाजा में संघर्ष विराम की कार्यान्वयन योजना पर चर्चा के लिए व्यापक बैठकें हुई। कतर के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कतर और मिस्र के मध्यस्थों और दोनों पक्षों की भागीदारी के साथ युद्ध विराम की योजना पर चर्चा करने के लिए दोहा में व्यापक बैठकें हुई। गाजा में संघर्ष विराम शुक्रवार 24 नवम्बर को सुबह 7 बजे शुरू होगा। कतर की मध्यस्थता में इसराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम की पुष्टि होने के बाद गुरुवार को इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने रिहा किए जाने वाले बंधकों की पहली सूची प्राप्त होने की पुष्टि की। कार्यालय ने कहा कि इसराइल को गाजा से रिहा किए जाने वाले बंधकों की प्रारंभिक सूची मिल गई है, जिसे शुक्रवार को हमास के साथ संघर्ष विराम लागू होने के बाद जारी किया जाएगा। बयान में कहा गया कि संबंधित अधिकारी सूची के विवरण की जांच कर रहे हैं और सभी पीड़ित परिवारों के साथ संपर्क में बने हुए हैं। इससे पहले घोषणा की गई थी कि संघर्ष विराम समझौते के तहत हमास गुरुवार को 50 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। बाद में इसराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तजाची ने एक बयान में कहा कि बंधकों की रिहाई पर चर्चा लगातार जारी है और समझौता लागू होने में शुक्रवार तक की देरी हुई। बताया गया कि हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के बदले इजरायली जेलों में बंद फलिस्तीनी नागरिकों की रिहाई का समझौता अंतिम वक्त में लागू नहीं हो सका। इसके चलते युद्ध विराम में एक दिन की देरी हुई। इसराइली सेना के आंकड़ों के अनुसार हमास ने गाजा में 229 लोगों को बंधक बना रखा है, जिनमें 26 देशों के विदेशी नागरिक भी शामिल है। संघर्ष विराम में एक दिन पहले इजरायली सेना उत्तरी गाजा में भारी बमबारी की। इजरायली सेना ने एक दिन में 300 हवाई हमलों का दावा किया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के स्कूल पर इजरायली बमबारी में 27 लोग मारे गए हैं। वहीं इजरायली सेना ने हमास कमांडर अमर अब्बू जलाला को मारने का दावा किया है। इजरायल का कहना है कि जलाला खान यूनिस में हमास के नौ सैनिक बल का कमांडर था। बयान में कहा गया कि हवाई हमले में अबू जलाला और हमास का एक अन्य लड़ाका मारा गया। इजरायली सेना ने गाजा के सबसे बड़े शिफा अस्पताल के नीचे हमास का सैन्य केंद्र होने के अपने दावे के लिए विदेशी पत्रकारों ने एक समूह को एक भूमिगत ठिकाने के बंकर दिखाए। यहां पत्थर की संकीर्ण सुरंग के जरिए भूमिगत बंकरों में ले जाया गया। सुरंग की लंबाई 150 मीटर है। सुरंग के अंत में स्थित कई क्वार्टर में एयर कंडीशनर, रसोई घर, शौचालय और सफेद टाइल से बने कमरे में धातु की चारपाई दिखी। सेना ने दावा किया कि शिफा अस्पताल की आड़ में हमास ने कमान केंद्र बना रखे और अस्पताल के नीचे कई बंकर हैं। हमास और अस्पताल के प्रशासन ने इसराइल दावों को खारिज किया। इसराइल की सेना के मुख्य प्रवक्ता डैनियल हेगारी ने कहा, शिफा अस्पताल में हमास का सबसे बड़ा आतंकी केंद्र है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बंधकों की रिहाई पर इसराइल हमास समझौते के बाद पश्चिम एशिया में ताजा हालात पर चर्चा के लिए इसराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से फोन पर बात की। नेताओं ने युद्ध विराम पर चर्चा की ताकि गाजा में जरूरी मानवीय सहायता पहुंच सके। वह सहमत हुए कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है और बाइडेन ने नेतन्याहू को आश्वस्त किया कि वह बचे हुए सभी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए दिशा में काम जारी रखे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।